वेलकम टू माई चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो ला रहा हूँ, और ये एक पीसी गेम का वीडियो है। नाम है इस गेम का स्टेमविंड। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। इसकी ग्राफिक्स क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, मुझे बहुत पसंद आया। एक्चुअली ये 2D गेम है और इसमें 3D एनिमेशन भी है, प्लैनेट्स हैं, ये स्पेस मिशन से रिलेटेड है ये गेम। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा इसका गेम प्ले। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसका। ये आप देख लें, इसका मेन्यू पे हूँ मैं, स्टार्ट गेम। फर्स्ट हम इसके चेक कर लेते हैं ऑप्शंस में। ग्राफिक्स क्वालिटी UHD पे है, रेजोल्यूशन भी हायर पे है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। लैपटॉप गेमर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि मैं भी लैपटॉप गेमिंग करता हूँ। और इसका अब मीडियम पे मोड रखा है मैंने, स्टेमविंड लेवल 1.1। तो लैपटॉप गेमिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये 2D गेम है, 3D गेम्स तो बहुत खेली है मैंने, सब खेलते हैं 3D गेम्स, लेकिन ये 2D गेम जो है इसका एक अपना ही टेस्ट है। सो हियर वी आर, ऑलमोस्ट लोडिंग इज गोइंग टू कंप्लीट। सो आप देख सकते हैं एनिमेशन और स्टोरी मोड अच्छी है इसकी, स्पेस मिशन से रिलेटेड है, और ये आपने पॉइंट्स को पकड़ना है ज़्यादा। और इसका वैसे है की मैपिंग वैसे है, अप डाउन लेफ्ट राइट से, और स्पेस बार से इसका जो है फायर मोड है। और एक और ऑप्शन है इसमें कंट्रोल से, आप अपने ऑपोजिट साइड पर एनिमीज को आप डैमेज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसकी एनिमेशन में प्लैनेट्स भी हैं, गैलेक्सी में हैं हम इस वक्त, और ये हमारा जो है स्पेस फाइटर शिप। अभी इसका मोड मीडियम पे है डिफ़िकल्टी का, तो कोशिश तो मेरी पूरी है कि मैं इन्हीं 2 लाइफ्स के साथ इसके काफ़ी ज़्यादा लेवल्स खेल सकूं। कोशिश पूरी है मेरी कि मुझे कंटिन्यू ना करना पड़े, तो देखते हैं, कोशिश तो पूरी है। ओके, दिस वन इज़ अ सेटअप। ओके, जितने ज़्यादा आप इसके पॉइंट्स को पकड़ेंगे, और उसके बाद आपका वेपन भी अपग्रेड होता जाएगा। वेव बोनस कलेक्टेड। एनिमी की डायरेक्शन कहीं से भी आ सकती है, तो आपने कोशिश करनी है कि सबसे पहले पॉइंट्स को पकड़ें और उसके बाद एनिमीज को आप डैमेज करें। काफ़ी जगह, काफ़ी हर तरफ से आ रहे हैं ये, तो अपने फायर मोड अपने चेंज करना है। ओके, नाउ वी आर नियर टू द सोलर प्लैनेट। देखा आप, जैसे जैसे पॉइंट्स पकड़ते जाएंगे इसका वेपन अपग्रेड होता जाएगा। कम ऑन, कम ऑन। ओके, मेरे ख्याल से हम इस वक्त जो है लेवल 1 का जो बॉस है उसके जोन के बिल्कुल पास पास आ गए हैं। वेव बोनस कलेक्टेड। आप देख सकते हैं इसका वेपन अपग्रेड हो गया साथ ही। वेव बोनस हैज बीन कलेक्टेड। साथ साथ मुझे ये इसका वेपन जो है ये अच्छा लगा मुझे, इसकी जो है ना वेपन क्वालिटी। ओहो, नहीं पकड़ा गया। ओहो, वेपन तो आपने डैमेज करना है एनिमी के जो हैं आर्म्स को डैमेज करें ज़्यादा सबसे पहले। ओहो, पता नहीं चला मुझे। पहले आप इसके जो आर्म्स को डैमेज करेंगे, उसके बाद आप इसके जो है मेन कंट्रोलर को आप हिट कर सकते हैं आराम से। तो उम्मीद तो पूरी है कि मैं इसको अब क्लियर करूंगा इसके, क्योंकि एनिमी की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस वक्त। ये लेवल 1 का बॉस है, और इसका
फर्स्ट आर्म मैंने डैमेज कर दिया है, सेकंड आर्म को भी डैमेज करने की कोशिश करूंगा मैं। ओहो चले, कोशिश पूरी है कि इसको डैमेज करूं मैं। उसके बाद इसके जो है सेंट्रल कंट्रोलर जो है उसको डैमेज करना है मैंने। यस फाइनली आई डिड इट। सो लेवल वन क्लियर। उम्मीद करता हूँ आपका इसका लेवल वन का गेम प्ले अच्छा लगा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल की तरफ। कोशिश मेरी पूरी है कि मैं इसी लाइफ के साथ, इसके जो मेरे पास रिमेनिंग लाइफ है इसमें, उसके साथ मैं इसको मज़ीद क्लियर करूँ लेवल्स को। तो चलें देखते हैं लेवल टू की क्या सिचुएशन है। ओके सो द लोडिंग स्टिल लोडिंग। वो 11.1 फर्स्ट जेन एजेंट। इसमें भी जो है एनिमीज कहीं से भी आ सकते हैं, आपके ऑपोजिट डायरेक्शन से भी आ सकते हैं, तो इसके लिए पूरा अलर्ट रहना पड़ेगा क्योंकि उनकी पोजीशन चेंज होती रहेगी साथ साथ। तो फायर जो मोड है आप इसको चेंज करते रहें साथ साथ। वो देखें ऑप्शन आ गया साथ डेंजर, डेंजर के ऑप्शन आ गए। इट मीन्स कि एनिमी की पोजीशन जो है ऑपोजिट साइड पर है। फायर मोड भी चेंज हो जाता है और पॉइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ना है, जितना ज़्यादा पकड़ लें पॉइंट्स को। अगर आपका वेपन अपग्रेड रहेगा तो आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा कोई भी लेवल। अभी इसका जो मोड मीडियम पे है लेकिन अभी भी ये काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रही है मुझे, क्योंकि एनिमीज़ की पोजीशन कहीं से भी आ सकती है और 1000 पॉइंट्स को मैंने गेन करना है। वेपन अपग्रेड हो गया है इसका, लेकिन कोशिश तो पूरी है कि बचा जा सके। अब फायर जो है वो फायर मोड एनिमी का कहीं से भी आ सकता है, तो बचना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे। तो कोशिश पूरी कि ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज कर सकूँ मैं एनिमी को। ओके सो वेव बोनस हैज बीन कलेक्टेड। डेंजर, आई एम इन डेंजर, डेंजर जोन। ओह माय गॉड, कोशिश तो पूरी है कि मैं डैमेज करूं और ये साथ साथ क्या अजीब से एनिमीज आ रहे हैं, लेकिन कोशिश मेरी पूरी है कि मैं उनको डैमेज कर सकूं। मेरी फिर फायर पावर चली गई है। ओहो एनिमी को कैसे बचा जाए, इतना मुश्किल ये है। ये अब आ गया है फर्स्ट एनिमी, इसको हिट किया, इसकी लेज़र गन से बचना है, इसको डैमेज करना है अच्छे तरीके से। तो इसका काम तमाम हो चुका है। यस डन। अभी और ज़्यादा डिफिकल्ट आना शुरू हो गया है, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, मुश्किल होता जा रहा है बचना इनसे। ओहो मेरे पास तो शायद लाइफ भी पीछे नहीं रही इसकी, कैसे बचा जाएगा, ये तो बहुत मुश्किल हो गया है। कोशिश की जाए इनको। वार्निंग डेंजर जोन, इट मींस नाउ आई एम इन द डेंजर जोन। देख सकते हैं आप इनकी पोजीशन कहीं से भी है। ओहो डैमेज करना है इसको।
कम ऑन कम ऑन। ओके ओहो आर्म्स को डैमेज करें ज्यादा से ज्यादा। ओहो तो कोशिश मैंने की थी इसको क्लियर करूँ लेवल टू को, लेकिन लेवल टू क्लियर नहीं हुआ। तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा मेरा ये गेम प्ले, और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।